टिहरी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह थतियुड़ पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महारानी को बीजेपी ने दोबारा से टिकट देकर जता दिया कि बीजेपी अभी तक टिहरी में गुलामी परंपरा को मानती है। टिहरी सांसद रही महारानी ने एक भी विकास कार्य नहीं किया और न ही क्षेत्र में भ्रमण किया। सांसद निधि भी लैप्स करवा दी, जो कि क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए था। महारानी को बीजेपी ने उसके बाद भी टिकट देकर जता दिया कि बीजेपी को टिहरी की जनता से कोई लेना देना नहीं है, वह केवल सत्ता पाना चाहती है। प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार में राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएगी। यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। देश के गरीब तबके के लोगों को तब तक 72,000 रुपये सालाना दिया जाएगा जब तक उनकी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं जाती। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि एक परिवार के लोगों में भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसे गुटबाजी का नाम दिया जाए। देश हित में सभी राहुल गांधी के साथ हैं। आपने इससे पूर्व दो बार इस क्षेत्र से जो प्रतिनिधि चुना, इस क्षेत्र से जो सांसद चुना, उस सांसद ने ना तो आपकी आवाज लोकसभा में बुलंद की और ना ही आपके हितों की लड़ाई सड़क पर लड़ने का काम किया। इसलिए आज हम कांग्रेस के लोग आपके बीच में आए हैं इस बात को कहने के लिए कि इस 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने मुझे टिहरी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। मैं आपके बीच का आपका साथी हूं, आपका सहयोगी हूं और आज आप ही लोगों से आशीर्वाद लेने आया हूं। आपका प्यार स्नेह मुझे चाहिए कि आप इस टिहरी संसदीय क्षेत्र में जो मौन अब तक था, उस मौन को तोड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का काम करें। मैं साथियों इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये सदैव नया नारा देकर के आपसे और हमसे वोट मांगने आते हैं। इससे पहले दो बार इन्होंने आपको और हमको छलने का काम किया। पहली बार 2014 में, जब ये 2014 में आए तो देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था उस वक्त कि अच्छे दिन आएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, कहा था कि नहीं कहा? और कहा था, मुंसला जी ने कहा कि काला धन आएगा, हमारे खातों में 15-15 लाख रुपया जमा होगा। क्या किसी के खाते में 15 लाख रुपया जमा हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ ना में तो जवाब दे दीजिए। नौजवान साथियों को रोजगार की बात कही थी,
एक साल में 2 करोड़ नौजवान साथियों को रोजगार देंगे। रोजगार देना तो बहुत दूर की बात, जिनका रोजगार था उस रोजगार को छीनने का काम भी केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार ने किया। और साथियों आपसे कहना चाहता हूँ, ये पहली मर्तबा हमने देखा, एक ऐसा प्रधानमंत्री हमने पहली बार देखा जो ये नौजवान साथियों से कहते हैं कि आप पकोड़ा तल करके अपना रोजगार ढूंढने का काम करें। इसलिए मैं नौजवान साथियों से पूछना चाहता हूं कि बताइए मेरे नौजवान साथियों, क्या 2014 में आपने नरेंद्र मोदी जी को या भाजपा को वोट इसलिए दिया था कि आप पकोड़े तलने का काम करें? ये स्थिति है, ये हालत है। और क्या कहा था कि बहुत ही महंगाई की मार अब के बाद मोदी सरकार, जब हम सरकार में थे तो गैस का सिलेंडर 400 रुपए में आपको मिलता था, लेकिन भाजपा के लोगों ने कहा ये सिलेंडर बहुत महंगा हो गया। आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो गैस का सिलेंडर आज की तारीख में आपको 300 रुपए में मिल रहा है? बताओ, अब वो गैस का सिलेंडर भी 900 हो गया, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने का काम कर रहे हैं, महंगाई अपने चरम पर है, सस्ता राशन बंद, सस्ती चीनी बंद, मिट्टी का तेल बंद, जो पेंशन योजनाएं हमने चलाई थी उसको भी सरकार ने बंद करने का काम किया। हालात बद से बदतर हैं। और आज आपसे कहना चाहता हूं, 2017 में देश के प्रधानमंत्री जी ने एक नई बात कह दी कि साहब डबल इंजन की सरकार बनाइए। सिंगल इंजन की सरकार तो मैंने भी देखी थी, आपने भी देखी थी, लेकिन 2017 में देश के प्रधानमंत्री जी की बात पर भरोसा करते हुए आपने और हमने मिलकर के डबल इंजन की सरकार बनाने का काम किया है। लेकिन 2 साल हो गए, अभी तक डबल इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है। अब मोदी जी ने कब वो इंजन त्रिवेंद्र जी को दिया और त्रिवेंद्र जी ने वो इंजन। हेलो उत्तराखंड न्यूज के लिए थतीउड़ से कृष्णपाल सिंह रावत की रिपोर्ट।